तो आई सपोज टू बी देयर बाई 11 इन जलंधर, लेकिन आज बहुत लेट हो गया भाई, आज वाकई गालियाँ पड़ेंगी, काम पे लेट हो चुका हूँ। तो ये हो गया 10:34, 10:30 यहाँ से निकलूँगा तो 11:30 से पहले नहीं पहुँच पाऊँगा, सो गालियाँ पड़ेंगी आज, लेकिन क्या करें, काम है, कभी कभी लेट हो जाता है। तो चलो चलते हैं फटाफट से। दिस इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस स्कूटर, इसका स्पेस। कल के ब्लॉग में भी कहा था मैंने, चाबी को उल्टा घुमाया, ये खुल गया, एंड कितना स्पेस है। सो लेट हो चुका हूँ, बट आई एम ऑल सेट टू गो। ये हो गया ऑन, ये साइड स्टैंड की आवाज़ है, बंद ही कर देते हैं इसको। तो ये है मेरा पुराने वाला स्कूटर एंड दिस इज न्यू वन। इसको अभी डिसाइड किया है कि नहीं बेचेंगे, बिकॉज अभी अब बड़ा हो चुका हुआ है। तो ये आ गए हम बाहर, 30 किलोमीटर चल चुका है और देखते हैं पेट्रोल फुल है, कितना पेट्रोल लगता है जलंधर से आने जाने में। और वक्त तो मुझे पता है खैर खूब लगने वाला है, लेकिन देखते कितने बजे पहुँचते हैं। 10:37 पे घर से निकल चुका हूँ, अभी भी स्टिल इन जाम, बहुत लंबा खिंच गया ये जाम है। बस ये रोड क्रॉस करनी है इतनी सी, यहाँ से देखे वहाँ तक जाऊँगा तो जाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ तक जाना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। देखो हालात, कहते हैं ना जितनी जल्दी हो कई बार बंदा उतना लेट हो जाता है। यहाँ जाम लगा हुआ है, जाम में फंस गए हैं, पिछले 5 मिनट से जाम में खड़ा हूँ और दिखाता हूँ आपका हालात। तो देख सकते हो जबरदस्त वाला जाम और मैं लेट, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो निकल आए हैं, लेकिन अभी एक और रास्ता बाकी है जिसको क्रॉस करना। फाइनली क्रॉस इट, इतना सा रास्ता पार करने में 10:51 हो गए, 37 मिनट, और लगभग मेरे को यहाँ पे 10 मिनट लग गए। सिटीज़ की पहचान है, जैसे ही आप सिटी में घुसोगे आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, एंड चाहो या ना चाहो यू विल बी स्लो डाउन। पूरा रश जाम लगा हुआ है, इस साइड से निकलता हूँ। थोड़ा सा तो आगे आए, तो एग्जैक्ट 12 बजे हैं और 104 किलोमीटर और मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन पे। अगर वो 10 मिनट वाला बीच में छोड़ दिया जाए तो मुझे लगे यहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा और 15 मिनट की लगे, 1.25 घंटे में। अच्छा ठीक, गुड जी। ये आएगा भैया इसका प्लाजो लाइनिंग वाला, और रेंज इसकी भी 650, ठीक है जी। इसमें भी 3 कलर आएंगे, 3 कलर है। देखिए साइज देखिए आप जरा, प्रॉपर वूल देखिए कितनी सॉफ्ट है, साथ में देखिए इसकी पॉकेट भी, हर चीज मतलब कंफर्टेबल है वेयरिंग के लिए। 650 में कितना सुंदर आर्टिकल है,
ये देखिए मेरून कलर, देखिए कलर भी एक एक कलर जो बहुत अच्छा कलर वही आपके लिए चूज किया गया। वाह भैया स्क्रीनशॉट भेजी जाओ इस बार तो, बस संभालो बल्ले बल्ले कर दिया, बहुत अच्छी आर्टिकल लेके आए और रेट वाइज तो कुछ भी नहीं, कुछ सोचे 1000+ वाले आर्टिकल जो आपको सिर्फ 650 में मिलने वाले, वो भी कोरियर फ्री बस जिन्होंने काम। तो शूट खत्म हो गया हुआ है और टाइम हो गया 3:37, तो अभी हम निकलेंगे और यहाँ पे भी टाइम आ जाएगा, 3:38 हो चुके हुए हैं और देखते हैं अब हम लुधियाना कितनी, 104 किलोमीटर है, लुधियाना कितनी देर में पहुँचते हैं, चलें, चलिए चलते हैं। ट्रैफिक ट्रैफिक एंडेड ट्रैफिक, लुधियाना 59 किलोमीटर, और इसका यही फायदा है स्कूटर का, बाइक का, टू व्हीलर का, कि आप फटाफट से निकल आते हो रश में से भी और ट्रैफिक में से भी। तो जहाँ मुझे कार में यहाँ तक पहुँचने में 15 से 20 से 25 मिनट लग जाते थे, कभी 15 कभी 20 कभी 25, तो लगभग 10 मिनट में मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मॉर्निंग में तो बड़ी तेज आया था, मैं मुझे जल्दी थी तो बहुत तेज आया था, बट नाउ राइट नाउ आई एम मेंटेनिंग 60-70 के बीच में स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ और धूल बड़ी है आप देख सकते हैं, धूल सी है, धूल नहीं है, धूल है, मिट्टी है, ये उस साइड की है जहाँ पे मैंने सुबह दिखाया था जब हम लोग उस तरफ से आ रहे थे, तो ये देख सकते हैं शायद शो हो कैमरे में शायद ना हो, लेकिन यार आज टू व्हीलर ड्राइव करके बड़े दिनों बाद लॉन्ग राइड पर निकला हूँ, मज़ा आ गया। तो लुधियाना एंटर कर चुका हूँ और मेरी जूस की तलब हो रही थी, पीने की तलब हो रही थी, तो रस्ते में ये जूस वाला देख लिया तो सोचा जूस ही पीते हैं, और अब थोड़ा सा रह गया लुधियाना और 4:27 हुए हैं, टोल क्रॉस कर चुका हूँ और इसके बाद अब सीधा शूट पे ही जाऊँगा, एक और शूट बाकी है अभी, तो पहले जूस पी लूँ। कितने का गिलास है भाई? हाँ जी 50 रुपये का गिलास है, गुड है। तो जूस तो बड़ा टेस्टी है, मीठा नहीं डलवाया, 50 रुपये वर्थ करता है गिलास भाई। मजा आ गया। तो दवाई तो हमने ले ली है, लेकिन दवाई के बाद फिर से शॉपिंग शुरू हो चुकी हुई है और अब चप्पल या जूता कुछ भी चाहिए इनको। कितने दवा जी है? दोनों पैर ट्राई कर लो। कंफर्टेबल है? ठीक है, ठीक लग रही है। सोनी लग रही, बिल्ली में हूँ। हाँ सिया ने बोलना है, उधर ही भी ले ला। है तो सोनी है, बिल्ली ली बिल्ली, यार उन्हें ले आगे ही दिखा के ले जाएंगे, पिंको माइन पिंक कलर ज्यादा पसंद आता है, पिंक दे देंगे ब्राजी इसको, बहुत ज्यादा कलर था, पिंक भी दे देंगे, पिंक दे देंगे, बड़े प्यारे कलर के। आप यार के नाम है कितने दी है? 1300 की। हां देखो आप ये पिंक जूतों की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। पैसे कितने दोगे पाजी? उन्हें पूरे पूरे कोई लेस वैस लेस करके तो लाया पाजी, ऐ ना करो हुन साडे नाल तुसी। तो भाई लोग अब वक्त है इस वीडियो को एंड करने का, एक्चुअल में मैं सो गया था
जी हाँ, रात के लगभग 2 बज चुके हुए हैं एंड नींद आ गई थी तो सो गया, और अभी उठा क्योंकि वीडियो एक सुबह जाना तो उसको एक्सपोर्ट करके अपलोड करके सुबह के लिए ड्राफ्ट करना था, तो फटाफट उठा उसको किया, देन सर ढका और उसके बाद फटाफट से इसका एंड ले रहा हूँ। आज के ब्लॉग का ना स्टार्ट लिया ना एंड लिया बस। हाँ, मज़ा बड़ा आया, जलंधर तक गए हम स्कूटर पे, एक्टिवा पे, इट इज अ फन एंड गुड एक्सपीरियंस। 90 पे पहले दिन ही 90 पे लगा दी भैया हमने, एंड वाकई मज़ा आया। जानता हूँ स्पीड थोड़ी स्कूटर के हिसाब से तेज है, बट मज़ा आया, एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू यू गाइस टू डू दिस। और बोलोगे क्या यार, खुद करता है हमें मना करता है, लेकिन आई एम सजेस्टिंग यू मत करो यार, मैं यही सजेस्ट करूँगा। एंड रात के 2 बजने वाले हैं, सुबह 7 बजे मुझे अम्बाला के लिए निकलना है, एंड अभी मुझे नहीं पता कैसे होगा ये, क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी लगभग 1 घंटे का काम बाकी है। यूट्यूबर्स की लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है डेली व्लॉग बनाना। कोशिश कर रहा हूँ भाई लोग, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो पॉसिबल हो भी पाएगा। रीज़न बीइंग ऐसे तो पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना है, सुबह स्टार्ट लेना भूल गया, अभी रात को एंड करना भूल गया, तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, आप माफ़ करना भाई, नया ब्लॉगर हूँ, डेली ब्लॉगर हूँ, और प्यार ज़रूर देना क्योंकि ऐसे डेली ब्लॉग्स लेके आता रहूँगा। एंड पीछे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना, तो ये मेरे घर का ड्राइंग रूम है, और बहुत जल्द जब शुरुआत में मैंने इस पर एक वीडियो डाला था जब आई बॉट दिस हाउस, तो उसका क्या रेनोवेट किया, कैसा बना, क्या क्या किया हमने, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत कुछ बाकी है अभी, इट इज़ नॉट लाइक कि ये फुल्ली कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है दिखाने वाला आपको, तो वो भी वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे डेली व्लॉग के लिए। जल्दी चैनल का नाम बदल दूंगा भाई, अब व्लॉग्स करेंगे तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं कल फिर एक बार फिर से, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे अभी इसको एडिट करना है, और कल वैसे अच्छा हुआ है वीडियो शूट कर रहा हूँ अम्बाले में, भाई यार 2 बज गए, 7 बजे उठ के निकलना है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया होगा। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलेंगे, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।